नमस्कार, स्वागत है पत्रकार वार्ता में। मैं हूँ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने एक दूसरे पर हमले करना तेज कर दिया। आक्रमण हमले कर रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। ताज़ा हमला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह पर किया है। उन्होंने एक अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनको देशद्रोही करार दिया है। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से अपना इसे मुद्दा बना लिया और तैयारी शुरू कर दी है इसे वोट बैंक में तब्दील करने के लिए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर शिवराज सिंह ने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप है, उन्हें या तो प्रूफ करें, नहीं तो वो अभी 26 जुलाई की जो है भोपाल के किसी नगर थाने में गिरफ्तारी देने की तैयारी की है और इस मामले को लेकर आंदोलन करने की भी तैयारी की है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पत्रकार वार्ता में चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे दैनिक अग्निबाण के संपादक वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी हमारे खास प्रोग्राम पत्रकार वार्ता में। साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार और सुबह सवेरे अखबार के मैनेजिंग एडिटर अरुण पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो ये आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह पर, जिस तरह से हमला किया है, ये क्या सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा है? जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और जो सत्ता में बातचीत करा सकते हैं कांग्रेस को, उन पर टारगेट किया जाए, उन पर हमला किया जाए। दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुए हैं, काफ़ी लंबे अरसे बाद, करीब 10 साल बाद सक्रिय हुए हैं। पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करके कांग्रेस को फायदा पहुँचाने की कोशिश की और अब जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बिखराव की कगार पर है और अलग अलग नज़र आ रही है, उसको एकजुट करने की तैयारी मुहिम में लगे हुए हैं। क्या लगता है रविंद्र जी, दिग्विजय सिंह पर जो हमला किया गया है, क्या एक सोची समझी रणनीति है या जो देशद्रोही जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है, क्या मानते हैं आप? देखिए, उज्जैन में जो 14 तारीख से यात्रा शुरू हुई है जन आशीर्वाद रैली, और वहाँ और घटना हुई थी और वो ये हुई थी कि अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान को अगला मुख्यमंत्री का एक चेहरा घोषित कर दिया था। एक बड़ी मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि जब पिछली बार अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चेहरा होगी लेकिन कोई व्यक्तिगत चेहरा नहीं होगा। लेकिन जब वो 14 जुलाई को उन्होंने शिवराज जी को फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, उसके बाद मैं लगातार देख रहा हूँ कि शिवराज जी का जो रुख है वो काफ़ी आक्रामक हो गया है, खासकर विपक्ष पर हमले करने को लेकर। उन्होंने 17 की सभा में जब ये कहा कि दिग्विजय सिंह जी के जितने भी काम हैं वो एक देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, तो उसके बाद दिग्विजय सिंह जी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और दिग्विजय सिंह जी ने एक पत्र लिखा है शिवराज जी को और उन्होंने साफ कहा है कि मैंने संविधान की शपथ ली है, 47 साल से मैं राजनीति में हूँ, मैं राघोगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष रहा, वहाँ से विधायक रहा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष रहा, उसके बाद मुख्यमंत्री रहा और आज की तारीख में मैं राज्यसभा सदस्य हूँ। मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना एक गलत है, या तो मुख्यमंत्री जी माफी मांगे या सिद्ध करें। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि 26 तारीख को भी गिरफ्तारी देंगे। जुबैर जी, मेरा यह सोचना है इस पूरे मुद्दे पर कि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो इस मुद्दे को वोटों में बदलने की कोशिश करेगी। दिग्विजय सिंह जी 26 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आएंगे, यहाँ से कमलनाथ, यहाँ से सुरेश पचौरी, यहाँ से अजय सिंह जी और तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश में यह संदेश भेजा जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग दिग्विजय सिंह जी को गिरफ्तारी के समय वहाँ पहुँचे। एक शक्ति प्रदर्शन टाइप यहाँ होगा। हमने ये देखा, एक को मैं जोड़कर देख रहा हूँ, आदरणीय पटेल साहब हमारे साथ में और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, उनके सामने मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस हाईकमान दिग्विजय सिंह जी की उपेक्षा करता रहा है। अभी जो कार्य समिति की घोषणा हुई है उसमें भी दिग्विजय सिंह को नहीं लिया गया है, तो कई लोगों का यह भी मानना है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में एक बार पुनः अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता है और उनको अपना शक्ति प्रदर्शन है। तो ये जो 26 तारीख को होगा, बेशक बहाना है कि दिग्विजय शिवराज जी ने उनको देशद्रोही कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी जो लगातार समन्वय का काम कर रहे हैं वो 26 तारीख को भोपाल में अपनी ताकत का भी एहसास कराएंगे। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, शिवराज सिंह चौहान के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भी तो योजना या रणनीति हो सकती है दिग्विजय सिंह की। आइए देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह ने पलटवार में क्या कहा। एक पैकेज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कथित तौर पर देशद्रोही कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
दिग्विजय सिंह ने शिवराज को पत्र लिखकर कहा है कि वह अगर देशद्रोही हैं तो उन पर कार्रवाई हो। वो स्वयं 24 जुलाई को भोपाल के टीटी नगर में गिरफ्तारी देने जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री चौहान के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपने मुझ पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। आप मुख्यमंत्री हैं, इस नाते प्रदेश की सीमाओं में राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखना आपका संवैधानिक कर्तव्य है। देशद्रोह गंभीर आरोप है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि देशद्रोह की किसी भी घटना को हल्के में ना लें। अपने दो प्रश्न के पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हो सकता है कि आपको अपनी शपथ के पालन में कोई बाधा आ रही हो, लेकिन मैं शपथ का पालन करता हूँ। इसलिए भारत माता की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए मैंने खुद को कानून के हवाले करने का निर्णय लिया है। मैं 26 जुलाई को भोपाल के टीटी नगर थाने में खुद को पुलिस के हवाले करूँगा। दिग्विजय सिंह ने खुद ये कहा है कि दो पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो आरोप लगाए हैं वो सब उसमें सब सच्चाई है या आपके पास साक्ष्य हैं तो मुझे गिरफ्तार की जाए और मेरी क्या जो भी देशद्रोही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 26 तारीख को बुलाए जाएंगे भोपाल के टीटी नगर थाने में, गिरफ्तारी भी देंगे। क्या लगता है अरुण जी, ये एक ड्रामा है, शक्ति प्रदर्शन है, या इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? इसको जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है ये, और राजनीति में जब मौका मिलता है हाथ से कोई नहीं छोड़ता। यदि शिवराज जी ने एक मौका दे दिया है तो पलट बात दिग्विजय सिंह ने कर दिया। हालांकि अभी रविंद्र जी बोल रहे थे कि अमित शाह जी ने उनसे कहा कि वो कांग्रेस नेताओं पर आक्रमक रहे हैं, लेकिन शिवराज जी की अपनी शैली रही, उस शैली से हटके पहली बार शिवराज जी ऐसा बोले। इसके पहले भी उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं, मैं इस प्रकार की भाषा करूँ तो उपयोग नहीं किया। तो शिवराज की असली पहचान उस शिवराज की जो पहले वो शालीनता सौजन्य रखते थे, लेकिन ये भाषा उसके कुछ विपरीत है। अब हो सकता है उनको अमित शाह जी ने कहा हो, लेकिन जहाँ तक देशद्रोही का सवाल है कोई हल्का आरोप नहीं है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान मुख्यमंत्री ने लगाया है। इसलिए ये गंभीर दिग्विजय सिंह ने उसको गंभीरता से लिया है, वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात साथ है कि एक मौका कांग्रेस को फिर से भाजपा ने दे दिया, जिससे वो उसको घेराबंदी कर सकती है। भाजपा के कुछ नेता यहाँ पर जिससे भाजपा पल्ला झाड़ रही है वो पाकिस्तान सेना की इंफॉर्मेशन देते हुए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, और इसलिए दिग्विजय सिंह ने अजीत डोभाल को भी ट्वीट करके पूछा है कि उनके आज केस की स्थिति क्या है। बिल्कुल, अजीत डोभाल से पूछा, ट्वीट की है। अभी जो बात है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह का हमला किया, आत्महमला किया, ये गंभीर आरोप लगाया कि देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, क्या मानते हैं कि इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा चुनाव में? जुगेर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल में अभी कांग्रेस ने एक कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए हैं आसिफ जकी। आसिफ जकी के फेसबुक पर मैंने आज देखा है, उन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह जी नेता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी पार्टी है। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के नेता आज ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी व्यक्ति नहीं है, हमारा संगठन है। दिग्विजय सिंह जी को आगे करके कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जैसे जैसे 26 तारीख आती जा रही है, दिग्विजय सिंह जी एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पत्र लिखा शिवराज जी को, उसके बाद संगठन के तमाम सारे नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने दिग्विजय सिंह समर्थक हैं या कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण चला रहे हैं कि नहीं, हमें 26 तारीख को भोपाल पहुंचना है और दिग्विजय सिंह के पीछे खड़ा होना है। आज दिग्विजय सिंह जी ने सुबह 3 ट्वीट किए, लगभग सुबह 8 और 9 के बीच में। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया अजीत डोभाल जी जो NSA चीफ हैं, उनसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जासूसी के आरोप में पकड़े गए, ISI के एजेंट के रूप में पकड़े गए, उनके बारे में क्या स्टेटस है। और वही दूसरा ट्वीट उन्होंने शिवराज जी को किया कि भाई ये जो कार्यकर्ता हैं ये देशद्रोही हैं या मैं देशद्रोही हूं। इस तरह के ट्वीट कर लगातार सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस समय मैं ये देख रहा हूं कि सत्ता और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनकी सरकार, दोनों थोड़े से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। कल लगातार संगठन के लोगों में बातचीत हुई है और यह रणनीति बनी है कि अब बयान को थोड़ा ट्विस्ट किया जाए। शिवराज जी ने उनको देशद्रोही की श्रेणी में कहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने देशद्रोही नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि उनके जो बयान आते हैं वो जिस तरह का बोलते हैं, वो जिस तरह के लोगों को बचाव करते हैं, वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, उनकी भावनाएं देशद्रोही, निश्चित तौर पर उनके बयान देशद्रोही की श्रेणी में आता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बैठे बिठाए मुद्दा तो मिल गया है और कांग्रेस इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। 26 तारीख पर पूरी मीडिया की नजर भी है,
भारतीय जनता पार्टी की नजर भी है, कांग्रेस के लोगों की नजर है कि क्या बाकी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिग्विजय सिंह के समर्थन में हो सकता है। जुगल भाई, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि यदि बाकी दिग्विजय सिंह जी स्वयं इस मुद्दे से आहत होते तो शायद खुद जाकर गिरफ्तारी देते, लेकिन जिस तरह की तैयारी कांग्रेस ने की है, जिस तरह पीसीसी में लोग इकट्ठे होंगे, जिस तरह से जुलूस निकाला जाएगा, जिस तरह थाना घेरने की कोशिश की जाएगी, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रयास होगा और मुख्यमंत्री पर यह बात का दबाव बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर हमें भी पता है कि मुख्यमंत्री किसी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन सवाल ये आ रहा है अरुण जी, सवाल ये आ रहा है कि गिरफ्तारी तब होती है जब किसी के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हो, सिर्फ केजरे बन से या आरोप लगाने से या किसी तरह का उनके खिलाफ कोई प्रकरण तो दर्ज है नहीं किसी भी थाने में देशद्रोही का, तो फिर वो गिरफ्तारी किस बात की देने जा रहा हूँ, किस प्रकरण में गिरफ्तारी देने, गिरफ्तारी इस बात की भी देने जा रहा हूँ, कहने मैं एक सांसद हूँ, राज्यसभा का सदस्य हूँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मंत्री रहा हूँ, विधायक रहा हूँ और लोकसभा सदस्य भी रहा हूँ, ये और ऐसे व्यक्ति पर एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है कि देशद्रोही मानसिकता का ही मान लो उसको किया जाए तो मानसिकता से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब इन अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, जो श्रेणी सबका उपयोग किया था उसको बदल के मानसिकता बोल रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का उसने जो अपने पत्र में जो दो मुद्दे उठाए, एक तो ये कि यदि मुख्यमंत्री भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति नहीं करते हैं, मैं जवाबदार हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करो और आपने सिद्ध करो कि मैं देशद्रोही हूँ, और इसलिए दिग्विजय सिंह ने ये जो कदम उठाए वो निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति के तहत है जिससे कांग्रेस मुख्यमंत्री पर पलटवार कर सके। अच्छा, आप ये मानते हैं रविंद्र जी की जिस तरह के शिवराज सिंह चौहान का बयान था, इसको कांग्रेस बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और 26 तारीख को इसका शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी सामने आ सकता है, क्या शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है और अब फिर जिस तरह से इसका जवाब दिया गया, क्या इससे कहीं ना कहीं बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर आ गए? निश्चित तौर पर इस समय लगभग ये 4-5 दिन से मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, दिग्विजय सिंह ने पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक शिवराज जी का इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है, ना तो उन्होंने अपनी बात पर अड़े हैं कि हम आपको देशद्रोही मानते हैं और ना ही वो ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई है। इस समय संगठन में और सत्ता में विचार विमर्श चल रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के इस पलटवार का क्या जवाब दिया जाए, लेकिन इसी बीच में एक मुद्दा और आ गया है जुगल भाई, मैं बताना चाहूंगा कि के मिश्रा ने आज फिर से दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह जी चौहान को मुख्यमंत्री को एक नोटिस भेजा है आज सुबह, और उस नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि पिछले दिनों कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर शिवराज सिंह चौहान ने के मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उन्हें ये कहा है कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, उन्होंने आज नोटिस दिया है और कहा है कि वे सिद्ध करें कि मैं विकृत मानसिकता का व्यक्ति हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस को लगातार ये मुद्दे मिलते जा रहे हैं, अब इन मुद्दों से एक बात तो तय है कि आने वाले समय में नेता जो भी बयान देंगे चुनाव के दौरान थोड़ा सोच समझ के देंगे, क्योंकि इस तरह के मामले यदि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में फिर एक दूसरे से माफी मांगी जाती है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम सारे नेताओं से माफी मांगी, स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया था नितिन गडकरी के खिलाफ 2012 में और कहा था कि संचेती के एक कॉल ब्लॉक मामले में 460 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई, उस मुद्दे पर नितिन गडकरी जी कोर्ट गए और बाद में दिग्विजय सिंह ने लिखित में माफी मांगी है। तो मेरा ये कहना है कि इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों बैकफुट पर हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के इस हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए। बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान भाई कश्मकश में, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि यह दिग्विजय सिंह इस तरह से इसको मुद्दा बना लेंगे। अरुण जी, जो जिस तरह से गुजरात के चुनाव में जो कांग्रेस के लीडर थे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा था कि नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे पूरा कहा जाता है कि पूरा पासा पलट गया था, पूरा बीजेपी को उसका फायदा हुआ था, क्या उसी तरह का ये दोहराव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? नहीं, अभी ये जहाँ तक बेहतरी वाला मामला है और ये नीच वाला मामला, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, उसका पॉलिटिकल फायदा भाजपा ने ज्यादा उठा लिया था, कांग्रेस इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये भी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस कोशिश पूरी करेगी। और जहां तक अभी रविंद्र जी ने कहा, मेरा मानना है कि चुनाव आते हैं तक ये चुनाव युद्ध की शैली में लड़ा जाएगा, साइबर युद्ध भी लड़ेंगे तो साइबर युद्ध तैयार कर रहे हैं अपने अमित शाह जी, तो कांग्रेस भी अपने साइबर टीम तैयार करने में लगी हुई है, तो इस प्रकार से शब्दों का और कहां तक स्तर पहुंचेगा इसकी कल्पना कर सकते हैं आप, सोच नहीं सकते, उससे भी नीचे स्तर पर चुनाव प्रचार जा सकता है। इसलिए मतलब ये कहने, मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवराज जी कम से कम ये शैली नहीं रही है जो इस समय उनको
अपनाना पड़ रही है। हो सकता है इसमें अमित शाह जी के दबाव, लेकिन यदि शिवराज जी के व्यक्तित्व और अमित शाह के व्यक्तित्व किसी को कोई चीज सूट करती किसी को नहीं करती, जिसका जैसा व्यक्तित्व बन जाता है। तो शिवराज जी इस शैली में कितना आगे जा पाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक सही नहीं रही जो आजकल वो अख्तियार कर रहे हैं। पिछले जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह चौहान बड़े स्वयं और बड़े तोल मोल के किसी के खिलाफ बोलते हैं, बयान कर देते हैं, घोषणाएं वो जरूर करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो वो काफी स्वयं बरतते हैं और उसका एक जो उनकी उसका इमेज का उनके हर चीज का ख्याल भी बहुत रखते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भी जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसने कहा साफ कहा है और अपने नेताओं को भी ये चेतावनी दी है कि जिस तरह की बयानबाजी उनके कांग्रेस के लीडर करते हैं उस पर वो लगाम रखें और अपने नियंत्रण रखें, जिस अगर इस तरह की बयानबाजी की तो उनके खिलाफ सीधा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है तो ये दोनों दल एक दूसरे पर आक्रमण हमला करेंगे और बयान भी एक दूसरे पर कर देंगे और गंभीर आरोप भी लगाएंगे। क्या मानते हैं रविंद्र जी, क्या जिस तरह की बयानबाजी गुजरात को में देखने को मिली या दूसरे देशों में देखने को मिली एक दूसरे पर जिस स्तर तक जाके आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, क्या मध्य प्रदेश में भी वही चीज़ नज़ारे देखने को मिलेंगे, इस तरह की संभावना नज़र आ रही है? मुझे यदि ये कोर्ट कचहरी हुई तो शायद कुछ लोग सपा को मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि जो शिवराज जी का बयान आया उसके बाद जैसी प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है तो इससे लोगों को सबक तो मिलेगा और बयानबाजी करते समय थोड़ा सा वो शालीनता रखेंगे। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है वो शशि थरूर का जो मामला था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी रहे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़ जाएगा देश, उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई है और तमाम सारे लोगों ने ये माना है कि कांग्रेस का इस तरह का ये बयान नहीं होना चाहिए और कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ा उस बयान से। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं कि 14 जुलाई के बाद जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है उसके बाद मैं देख रहा हूं कि शिवराज जी का जो रुख है, जैसे अभी पटेल साहब ने भी बताया, उनके स्वभाव के विपरीत आक्रामक हो गया। मैं उनके तीन बयानों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को देशद्रोही कहा, चलिए उन्होंने उसके बाद में दूसरा हमला अजय सिंह पर बोला और कहा कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तीसरा हमला उन्होंने जब यहाँ अखिलेश यादव भोपाल आए और वो जब गठबंधन की बात चल रही थी, हालांकि वो नहीं मिले कांग्रेस के नेताओं से, इसके बावजूद भी शिवराज जी का एक बयान आया था वहां से सत्ता से, शायद वो बयान था उनका जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही उनका बयान आया था कि जो कांग्रेस से मिलेगा, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा उसका सर्वनाश तय है। मुझे समझ में नहीं आता है कि राजनीति में गठबंधन करना एक आज की अनिवार्यता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा तो ये बयान जो शिवराज जी को जानते हैं, जो उनको पहचानते हैं, जो उनको समझते हैं, उनके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अटल साहब ने भी कहा है कि स्वभाव के विपरीत जा रहा है, लेकिन हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए कि अभी जब राजस्थान में अमित शाह जी गए और कार्य समिति की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि हमें अगला चुनाव कोई ढोल मंजीरे बजाकर या आरती करके नहीं करना है, हमें बाकायदा युद्ध की शैली में आना है, संघ नाद करना है, संघ बनना चाहिए और युद्ध पूरा होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक संकेत है कि युद्ध को पूरी तरह से वो आक्रामक शैली में लड़ा जाए और हमें वो आक्रामक शैली इस समय शिवराज जी में दिखाई दे रही है। शिवराज जी जिस तरह से आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं, जैसे बयान दे रहे हैं, यदि दिग्विजय सिंह वाला मुद्दा हावी होता है और इसका कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिखता है तो अभी चुनाव में चूंकि 2-3 महीने बाकी है, हो सकता है नेता इस बयान से कुछ सबक लेंगे। कोर्ट में यदि ये मामला जाता है, नोटिसबाजी होती है, तो कम से कम बयानों में कुछ कमी आएगी, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल, अगर जिस तरह का कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। अरुण जी, जो एक सबसे बड़ी बात अभी सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सरकार हो, सीधा सीधा निशाना दो लोगों पर ही साधा है, या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या दिग्विजय सिंह। कमलनाथ जी पर इस तरह से आक्रमण हमले नहीं करना, कारण क्या है? क्या दिग्विजय सिंह से हमको डर है या ज्योतिरादित्य सिंधिया से डर है? ये इन दोनों नेताओं से डर है, कमलनाथ जी को वो बहुत हल्के में मान रहा है। नहीं, कमलनाथ जी को हल्के नहीं मांग रहे हैं। पहले उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को चिन्ह निशान लेंगे, तो कमलनाथ की उम्र को लेकर कहा गया था, उनको कहा गया कि व्यापारी है, उद्योगपति है,
वो जनता की सेवा है, निशाने पर सब कुल है, लेकिन अब क्योंकि भाजपा भी जानती है कि इस प्रदेश के अंदर जितनी जगह दिग्विजय सिंह जी गए थे उतनी कोई दूसरे कांग्रेस नेता की मौजूदा नेताओं में नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया है, अपना टारगेट बदल दिया और अब ज़्यादा हमला दिग्विजय सिंह पर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये हमला उनको भारी पड़ रहा है क्योंकि इस प्रकार का हमला होगा तो दिग्विजय सिंह चुप नहीं रहे, वो भी इसका जवाब देंगे और जो वही स्थिति आ गई है। और जहाँ तक रहा सवाल इसका, मेरा मानना है कि कोर्ट कचहरी में मुकदमे जाएंगे, नेताओं को चुनाव और स्तरीय भाषा बोलेंगे तो उसको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हर चुनाव युद्ध की शैली में लड़ती है और युद्ध में वो मानती है कि हर चीज़ जायज़ है, और यदि ये मान के हैं और बाद में माफी मांगनी कोर्ट में, भाजपा के नेताओं ने दिग्विजय सिंह से माफी मांगी 15,000 करोड़ का आरोप लगाने के बाद, तो उनको कोई सिद्ध नहीं कर पाए, वह भारतीय माफी मांगने की स्थिति में आ गई है, तो केजरीवाल ने माफी मांगने का भी मानहानि का केस खत्म हो जाता है, तो गंभीर आरोप लगाते जाओ, बाद में जब कोर्ट में मामला पहुंचे तो माफी मांग के इतनी सी निकल। रविंद्र जी, एक बात सामने आई है कि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार खतरा एक बार फिर दिग्विजय सिंह से सबसे ज्यादा है? नहीं नहीं जोगी भाई, मैं ये नहीं मानता हूँ दिग्विजय सिंह जी से उनको कोई बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि यदि आप देखें पूरे संदर्भ में तो सबसे पहले शिवराज जी ने अटैक किया था अटेर के चुनाव में, अटेर के चुनाव में उन्होंने सिंधिया को अंग्रेजों का दलाल, अंग्रेजों का गुलाम कहा, अंग्रेजों का पिट्टू कहा, उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला था अटेर के इलेक्शन में, तब भी बड़े आश्चर्यचकित से देखा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद में प्रभात झा और जवान सिंह पवैया को गुना में बिठाया गया, गुना में लगातार उन्होंने सिंधिया पर अटैक किया, सिंधिया के बाद दूसरा अटैक देशद्रोह के बारे में दिग्विजय सिंह पर किया गया, और ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी पर अटैक नहीं किया गया है। यदि आप कल का बयान पढ़ें शिवराज जी का, तो उन्होंने कल कमलनाथ जी पर सबसे बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो यहाँ एमपीवीपी का जो चेयरमैन होता था वो कमलनाथ जी के पसंद का हुआ करता था, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि कमलनाथ जी का जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जो उनके व्यवसाय है, वो दिग्विजय सिंह जी उसका उसको फल्ले फुल्ले में मदद करते थे और एमपीवीपी के चेयरमैन उनकी पसंद का आदमी बनाया जा सकता था। यदि कि जो तीन नेता इस समय हैं, तीनों पर बराबर हमला बोला जा रहा है, लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि तीनों को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन अभी जो जैसे उन्होंने सिंधिया पर हमला बोला, लेकिन जब सीपरी का चुनाव हुआ दोनों सीटें बीजेपी हार गई, उसके बाद उस हमले की जो एक धार थी वो कमजोर पड़ी है। इसी प्रकार से दिग्विजय सिंह पे हमला बोला, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो पलक बार किया है हो सकता है इसके बाद इसकी भी धार कम हो। कमलनाथ जी के हमले के बारे में अभी कमलनाथ जी का बयान आना बाकी है कि कमलनाथ जी अपना क्या पलट बयान देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ पर भी तीसरा हमला बोल दिया है। तो मतलब ये माना जाए अरुण जी कि अब पूरी तरह कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ चुकी है और पूरी तरह चुनावी हमले शुरू हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ जी पर तीखा हमला एमपीवी को लेकर किया गया और उसके माध्यम से वो बताना चाहे थे कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो अंधेरे के में प्रदेश चला गया था, जो बिजली आती कम थी जाती ज्यादा थी, तो उसको के लिए जिम्मेदार कमलनाथ ठहराना चाहे रहे हैं। तो उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह की सरकार के टाइम पर एमपीवी वही होता जो कमलनाथ चाहते थे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश चुनावी मोड पर आ चुका है और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी शुरुआत हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कमलनाथ से लेकर अब दिग्विजय सिंह की बारी आ चुकी है, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह पर शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाए देशद्रोही के, वो एक कांग्रेस को मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे को कांग्रेस पूरी तरह भुनाने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरह से गुजरात में एक छोड़ जो मणिशंकर अय्यर की एक बयान था नीच का, उससे एक उसको पूरा चुनाव का पासा पलट गया था, कहीं कांग्रेस इस देशद्रोही मुद्दे को लेकर जनता का मन मस्तिष्क चेंज नहीं कर दे और पूरा माहौल बदल ना दे, इसी बात को लेकर एक बार बीजेपी फिर बैकफुट पर आ गई है। खैर, पत्रकार वार्ता में आज इस मुद्दे पर इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ पर, नमस्कार।